हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हैबिट एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, और मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला था। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ से एक्सरसाइज 1.1, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में डिस्कस कर दिया था, सो आपको मैं बताता हूँ सिंपली। फर्स्ट क्वेश्चन 2/8, सो व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू -2/8। सो आपको एडिटिव इन्वर्स में ओनली साइन चेंज करना है। सेम इन द केस ऑफ -5/9, सो -5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +5/9। इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, -6/-5, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो इट बिकम 6/5। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6/5 इज इक्वल टू -6/5। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। व्हाट इट से, इट से वेरीफाई क्वेश्चन वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू एक्स। एंड यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 11/15। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊँगा, सेकेंड क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कीजिएगा। सो वी नो दैट additive inverse of 11/15 is equal to -11/15। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज में बताया था, when you add any number with their additive inverse it becomes 0, that means 11/15 plus -11/15 it becomes 0, and when you transpose this number from left hand side to right hand side, सो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बिकम माइनस, बिकॉज ये होल टर्म अदर साइड जा रहा है, सो प्लस साइन बिकम्स नेगेटिव इन ब्रैकेट -11/15। रिमेंबर दैट ब्रैकेट के अंदर का साइन आपको चेंज नहीं करना है, ब्रैकेट के बाहर का जो मेन साइन है, द साइन बिटवीन द टू टर्म्स आर चेंज, दिस साइन प्लस व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स नेगेटिव, करेक्ट। We know x is equal to 11/15, तो प्लेस कर दें यहाँ पे x is equal to -x, so यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x is equal to -13/15। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसके भी कुछ क्वेश्चन बताऊँगा आपको, बाकी क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट से फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। सिंपल है, लाइक -13, इसको पहले p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो -13 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, सो 1 कर देते हैं, तो ये हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/1 इज इक्वल टू 1/-13, करेक्ट। सो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/13, दोनों सेम है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ओनली क्या करना है, चेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लाइक -13/19 इट बिकम्स 19 डिवाइडेड बाय -13, 1/5 बिकम्स 5/1। इसको आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, सो दिस क्वेश्चन इज -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई।
So minus 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 into minus plus. 5 multiply 3, numerator numerators multiply, 5 3 is a 15, 8 7 is a 56. So next, multiplicative inverse of 15 by 56 is equal to 56 divided by 15. तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया. आगे क्वेश्चन सभी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2 by 5 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 by 5 इज 5 by 2. माइनस 1 डिवाइड में कुछ नहीं है, लाइक इसके अलग क्वेश्चन को देख लेते हैं. माइनस 1 डिवाइड में कुछ नहीं है, सुबह नहीं है. मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ, फोर्थ का सिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ. करेक्ट. सो फोर्थ का सिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ. सो यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया एंड देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 एंड यू कैन राइट अगेन इन टू माइनस 1 बिकॉज 1 बाय माइनस 1 मीन्स माइनस 1, 1 1 1. सो ये भी सॉल्व हो गया.